बुक जो न्यू निकली है पिछले साल की है, इसके पहले सभी जो टेक्स्ट बुक होती थी वो सेपरेट सेपरेट होती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, इसको पार्ट वाइज कर दिया गया, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। इसी तरीके की पहले वर्कबुक्स भी होती थी, ये छोटे बच्चों के लिए अक्सर किया गया, क्योंकि क्या होता है ना, ढेर सारी टेक्स्ट बुक्स होती थी और सबको संभालना भी पड़ता था, सबकी एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती थी। अभी इसको क्या कर दिया गया, सबको एकत्रित करके एक पार्ट में कर दिया गया, फोर पार्ट, फोर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारे पैटर्न कैसा एग्ज़ाम का, वो यूनिट वाइज चलता है। तो यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, ऐसा होता है इसको। यूनिट वन और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड यूनिट और सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पार्ट वन की किताब लगती है, ठीक है, ये पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों के लिए, ओके, पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को ऐसी ही पार्ट वाइज बुक मिलेगी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। तो जो आपका पहला एग्ज़ाम रहेगा जो कि अगस्त में होता है, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट, उसके अंदर आपको ये वाली टेक्स्ट बुक लगेगी। फिर सेकेंड यूनिट एग्ज़ाम के लिए बच्चे लोग को सेकेंड पार्ट लगेगी, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है जनवरी के अंदर, नहीं नवंबर से पहले, दीपावली से पहले हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे जो है सेकेंड यूनिट के लिए सेकेंड यूनिट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, जो कि एग्ज़ाम होता है आपका जनवरी के 26 जनवरी के आसपास शुरू हो जाता है। और लास्ट एग्ज़ाम जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि अप्रैल के एंडिंग में होता है या फिर मार्च के एंडिंग से शुरू हो जाता है, फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली बुक चलती है पार्ट फोर, जिसको बोलते हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए बुक, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट बुक्स आपको मिल जाएंगे पहली से लेकर आठवीं तक के लिए। और